हेलो एवरीवन सो वी आर लाइव अगेन एट प्लेटफॉर्म एकेडमी ट्वेल्थ लाइव डेली दिस इज योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री डॉक्टर मोनिका बेदी वेलकमिंग यू एट दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म कैसे हैं सारे के सारे बच्चे फटाफट से मुझे बता दो अगर चैट बॉक्स में ठीक से मैं नजर आ रही हूं मेरी आवाज़ अच्छे से क्लियरली सुनाई दे रही है तो हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं और हमारा नया चैप्टर कौन सा है हम चालू करने जा रहे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल फिनिश फ्रॉम माय साइड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने वो चैप्टर से स्टार्ट किया है जो आपकी मैम का फेवरेट है यानी मेरा फेवरेट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नॉर्मल मूवीज और थ्रिलर मूवीज में जो फर्क होता है ना बच्चों उस लेवल का डिफरेंस है नॉर्मल चैप्टर्स में और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में मतलब इट इज माय फेवरेट यार मतलब आई मस्ट से कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है बड़ा ही लॉजिकल चैप्टर है मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बड़ा इजी चैप्टर है बट मैं ये कहूंगी कि इसको ईजी बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी ठीक है तो जैसा कि अपन हमेशा करते ही है तो लेट मी सी हुव ऑलरेडी जॉइन अस आस्था राज खुशी सोनिया विशाखा शिवी कैलाश अनुराग वेरी गुड बच्चों यार इसको जल्दी से शेयर कर दो मैंने आपको बोला था ना जितने हो सके फ्रेंड्स को ले आओ क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रॉम द जीरो लेवल तो ये अपने फ्रेंड्स को लाए हो कि नहीं लाए हो ये बताओ जल्दी से है ना गुड आफ्टरनून आस्था गुड आफ्टरनून एवरी वन एल्स है ना चलो स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से अगर आप लोग अपने नए दोस्तों को हमारे प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन तो यार देना बनता है आई एम डॉक्टर मोनिका बेदी एक मिनट जरा पेन चालू कर लेते हैं पेन चालू नहीं किया है हमने ऑल राइट आई एम डॉक्टर मोनिका बेदी आई एम पी एच डी इन केमिस्ट्री फ्रॉम राजस्थान एंड आई हैड बिन टीचिंग फोर लास्ट फोर्टीन ईयर्स एंड जो ये पी एच डी पे मैं जरूर बोलूंगी जो मेरा पी एच डी हुआ है ना डॉक्टरेट जो है डॉक्टर मोनिका बेदी तो ये डॉक्टरेट में मेरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत बड़ा वो रोल है क्योंकि मेरा जो रिसर्च तो, uh, का टॉपिक रहा हुआ है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे ही रहा हुआ है जहाँ पे हमने जो लीगेंस यूज़ किए, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा लीगेंस क्या होते हैं ऑर्गेनिक लीगेंस के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सिंथेटिक वर्क कर रखा है आपकी मैम ने थ्रू आउट द रिसर्च पीरियड तो इसलिए भी ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ चैप्टर है मेरे दिल के ज़्यादा नज़दीक है ये चैप्टर तो इसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं

हेलो अल्केन हेलो अरीन की लाइव क्विज टॉपिक स्पेसिफिक क्विज आज होने वाली है चार बज के पैंतालीस मिनट से स्टार्ट देखते हैं यार अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे जस्ट शो की यार तुम में कितना दम है बी ट्राई टू बी ऑन द लीडर बोर्ड बहुत अच्छे से स्पेशल क्लासेस में आई थिंक ट्वेल्व ट्वेल्व क्लासेज में मैंने आपको ये क्लियर किया एक सेकेंड बच्चों हम्म hmm. बारह क्लासेस में मैंने हेलोल केलोरीन चैप्टर पढ़ाया है और ट्वेल्व क्लासेस पढ़ाने के बाद अब मैं लेने जा रही हूँ इसका क्विज तो जरूर से आ जाना और जितने हो सके अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स को लेके आना जितना ज्यादा कॉम्पिटेटिव माहौल होता है मुझे क्विज होस्ट करने में बहुत मजा आता है है ना बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं दीज आर द टॉपिक्स जो कि स्पेशल क्लासेस में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूं डिजिटल वीडियो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एंड इसमें बढ़ोतरी हो गई हेलो लिकेन एलोरिन जुड़ चुका है इसका मतलब अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लो इसमें रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा ठीक है इसको आप रेफर कर लो आप कोई भी चैप्टर अपने आप से बैठ के प्रिपेयर करें इसको जरूर रेफर करें वन पॉइंट टू फाइव फाइव की स्पीड पर आप सारे चैप्टर

जिनसे आप को मैं वाकिफ करवाती रहूंगी जैसे कि छोटे 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 जो कोर्सेज होते हैं प्लस पे हम लोग लॉन्च करते हैं हमारे प्लस के बच्चों की बेहतरी के लिए अब हम मैं लॉन्च करने जा रही हूँ सरफेस केमिस्ट्री का कोर्स केमिकल कैनेटिक्स का कोर्स लॉन्च हो चुका है और दो क्लासेज हुई हैं जो कि इंट्रोडक्टरी क्लासेज हैं ठीक है तो जो बच्चों ने आजकल में प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है या जो लेना चाह रहे हैं अब क्योंकि मैं पहले ही काफी दिनों से बोल रही हूँ कि एवरी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी वेरी बिगनिंग ठीक है तो अगर लेना चाह रहे हो तो जल्दी से ले लो और ये दो क्लासेस टाइम निकाल के देख लो इनसे रिलेटेड असाइनमेंट्स आपके अपडेट सेक्शन में मैंने रखे हुए वहां से असाइनमेंट सॉल्व कर लो पिछले सालों में इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल पिछले दस साल में आ चुके हैं मैंने उनको कंपाइल करके अपडेट्स में लगा दिया है उनको सॉल्व कर लो और सैटरडे संडे ये वाली क्लासेस होती हैं ठीक है थीके? सर्फिस केमिस्ट्री का न्यू कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं वो प्लस वाले बच्चों के लिए लॉन्च होते रहते हैं तो देर मत करो जल्दी से आ जाओ क्योंकि हमें कोर्स दोबारा से कंप्लीट कराना है प्लस के स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से करके तो हम छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च करते रहेंगे ठीक है ये कॉम्प्लीमेंट्री है हमारी साइड से मतलब अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आपको न्यू स्किल्स एवरी वीक सीखनी है तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है ठीक है और ये रेफरल कोड यूज करना तो भूलना ही मत बच्चों टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड सिक्स मंथ्स का तो ले लो यार क्योंकि स्पेकुलेशन सिक्स मंथ्स का क्या मैं कहूंगी कि स्पेकुलेशन तो ये है कि फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डेज बोर्ड के एग्जाम टलने का चांस है ऐसा किसी ने कुछ पक्का नहीं कहा है हो सकता है टाइमली हो जाए और हो सकता है अगर टले तो डेढ़ से दो महीना टलने का चांस है तो डेढ़ से दो महीना टलने का मतलब है कि ये वाला सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि नौ हजार और साढ़े तेरह हजार में बच्चों फर्क भी कुछ खास नहीं है साढ़े सा, चार हजार का ही है और नहीं तो सिक्स मंथ्स का ले लो सिक्स मंथ्स में बहुत बेनिफिट हो जाएगा फोर मंथ्स में तो आपका कोर्स पूरा कराएंगे हम लोग जो हम लोगों ने डिसाइड किया है एंड फिर आगे हम आपको रिविजन कराएंगे ठीक है तो इस तरीके से सारी चीजें होती रहेंगी आपको नोट्स असाइनमेंट्स एवरीथिंग यू विल गेट डाउट क्लियरिंग सेशन एंड ऑल है ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर्सनल मेंटरशिप पेरेंट कनेक्ट लाइव डाउट सॉल्विंग स्टडी प्लानर अकॉर्डिंग टू योर वीकली रिपोर्ट आपका वीकली रिपोर्ट बनेगा आपका कैसा क्लासेस कितनी अटेंड करते हो कितनी मिस कर देते हो आपकी टेस्ट में क्विजेज में क्या परफॉर्मेंस चल रही है उस हिसाब से आपका स्टडी का क्या प्लान होना चाहिए इस लेवल के फीचर्स अगर आपको अवेल कर रहे हैं तो यू मस्ट टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूजिंग रेफरल कोड एम बी लाइफ एंड uh, टेकिंग टेन परसेंट ऑफ ट्वेल्व मंथ्स का एंड सिक्स मंथ्स का अगेन वही है सिक्स मंथ्स वाला पंद्रह हजार तीन सौ का ट्वेल्व मंथ्स वाला पच्चीस हजार दो सौ का है ठीक है क्योंकि ये ये बिजनेस क्लास टाइप की बात हो गई मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं और बिजनेस क्लास में ट्रेवल करें दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस ठीक है तो अगर ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं इसमें काफी अच्छे फीचर्स एडेड हैं ठीक है और अगर ये नहीं भी लेते हैं तो एटलीस्ट नॉर्मल प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो देर नहीं करो क्योंकि कोर्स सब कुछ दोबारा से होगा दैट इज आवर प्रॉमिस ठीक है एंड नाउ वी गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन एंड नोम क्लीचर वन तो यार रेडी हो तो थम्स अप तो करो चैट बॉक्स में नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो बड़ी खुशी का माहौल होता है ना और आजकल तो वैसे भी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो यार खुशी तो बिखेर दो चैट बॉक्स में फेस्टिव सीजन में तो अपन वैसे ही बड़े खुश-खुश से रहते हैं और ऐसे पे हमने हमने ये स्टार्ट किया जो आपकी MBA में है 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 ना नई करी है। तो -पड़ से यार कर कर दो बॉक्स में ताकि हम स्टार्ट कर सके अपने सेशन को क्विकली वेरी नाइस चलो सारे बच्चों का थम्सअप आ गया है सारे बच्चों की स्माइल आ गई है बच्चे ये वाला चैप्टर ना शुरुआत में जैसे कोई थ्रिलर मूवी देखते हो ना तो पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा तो वो बन मतलब वो चीज़ बनने में लगता है मतलब माहौल पैदा होने लगता है कि समझ में आ रहा है कि है क्या चीज जैसे समझ रहे हैं टिके है हुए फिर जब वो थ्रिल स्टार्ट होता है तो फिर ए, यू नो फिर इट्स नॉट इट्स अनकम्पेरेबल तो वही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग में मैं तुमको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाने वाली हूँ कि चीज़ क्या है होता क्या है तो इट माइट साउंड थोड़ा थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग uh, लेकिन धीरे धीरे जब हम नोम की तरफ प्रोसीड करेंगे आइसोमेरिज्म की तरफ प्रोसीड करेंगे तो बहुत मजा आ जाने वाला है मतलब नथिंग लाइक दैट वाला चैप्टर है ये ठीक है बट पेशेंस बना के रखना फर्स्ट हाफ एन आवर में फर्स्ट हाफ एन आवर में मैं जो पढ़ाऊँ उसको पेशेंस के साथ सुनना और फिर उसके बाद जो गाड़ी दौड़ेगी ना वो तो फिर रुकेगी नहीं ठीक है तो चलो जी लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ विद इंट्रोडक्शन एंड नोम सबसे पहले हम पढ़ रहे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वी विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है उसके लिए मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी काफी बच्चों को तो क्लियर भी होगा जिनको क्लियर नहीं होग्जाम्पल से क्लियर से करेंगे जनरल कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं एक जनरल कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें अगर दो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के लिए एक दूसरे को अप्रोच करें तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन वो अनपेड लेकर के ओवरलैप करते हैं दिस इज ऑल जो कि तुम ऑलरेडी कर चुके हो जूनियर क्लासेज में कि यस दिस इज अ नॉर्मल कोविलेंट नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अदर है ना फॉर ओवरलैपिंग वट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कोविलियन बॉन्ड एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलो एक एग्जाम्पल दिया जाए एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए मैं तुम्हारी मैम हूं मैंने तुमको एक प्रोजेक्ट दिया अब मैं कुछ नाम पिक करूंगी हमारे चैट बॉक्स में से कौन से नाम पिक तान्या का नाम पिक कर लेते हैं ठीक है और उसके अलावा आकांक्षा सिन्हा का नाम पिक कर लेते हैं तो तान्या और आकांक्षा सेन्हा है ना मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है ठीक है अब प्रोजेक्ट में मैंने तुम्हारे लिए एक टास्क डाला है कि यार जब तुम प्रोजेक्ट बनाओ जब तुम नोट्स बनाओ तो हाईलाइटेड नोट्स होने चाहिए मतलब हेडिंग्स डिफरेंट कलर की होनी चाहिए जैसे मैं भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ब्लू से नॉर्मल ब्लैक से लेके ले आती हूँ आपने देखा होगा तो मैंने ऐसा ही एक टास्क तान्या और आकांक्षा को दे दिया ठीक है तो इस टास्क मैंने क्या बोला कि भाई दो कलर के पेन यूज करने सिंगल कलर के पेन से धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखते नहीं जाना हाईलाइट हाईलाइट करना है प्रेजेंटेशन पे बड़ा जोर देना है मतलब हेडिंग्स डिफरेंट कलर से होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन जो है आपका वो डिफरेंट कलर से होना चाहिए अब तान्या के पास सिर्फ ब्लू पेन था और, और किसका नाम लिया था आकांक्षा के पास कौन सा पेन था ब्लैक पेन था अब तान्या और आकांक्षा ने सोचा कि यार क्या करते हैं तान्या और आकांक्षा ने आपस आप में बात की कि यार मैम ने अपन को दो दो मतलब पेन यूज करने को बोला है हाईलाइटिंग करने को बोला है अपन दोनों के पास तो एक एक ही पेन है क्या करें तो इन दोनों ने आइडिया लगाया काम कर तान्या तू नॉर्मल पेन से लिख अपना जो भी तेरे पास कलर का पेन है शायद ब्लैक एंड मेरे पास ब्लू पेन है तो तू ब्लैक से लिख मैं ब्लू से लिखती हूँ और जब हेडिंग्स डाल ली होंगी तो हम पेन एक्सचेंज कर लेंगे मैम को क्या पता लगेगा कि हमारे पास एक एक ही पेन था इस हिसाब से हमारा काम भी हो जाएगा शेयरिंग करके दिस इज नॉट दिस इज वॉट वी कॉल एज शेयरिंग है ना तो आकांक्षा ने अपने ब्लू और ब्लैक पेन को मौके पे एक्सचेंज मार के पहले तो अपना अपना पूरा नोट्स तैयार कर लिए फिर अंडरलाइनिंग के लिए और हेडिंग्स के लिए पेन एक्सचेंज कर लिया अब जब मेरे पास वो प्रोजेक्ट आ, सामने आए तो मुझे पता लगा कि हाँ यार इन दोनों ने तो बहुत हाईलाइट करके काम किया है मुझे पता ही नहीं चला कि इन दोनों के पास सिर्फ एक एक ही कलर का पेन था इसको हम क्या बोलते हैं

चलिए तो कोविलेंट बॉन्ड बॉन्ड हमने समझ लिया अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए दो और नाम पिक करते हैं पिछली बार दिशा के नाम से समझाया था चलो एक दिशा ले लेते हैं और एक साक्षी शिरोले ले लेते हैं ठीक है इस बार दिशा और साक्षी शिरोले का एग्जाम्पल लेते हैं साक्षी के पास में ब्लू और ब्लैक क्या पूरे पेनों का भंडार था है ना रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन ऑरेंज जितने भी कलर के पेन मार्केट में अवेलेबल थे साक्षी के पास सारे थे दिशा के पास कोई भी पेन नहीं था किसी भी कलर का पेन नहीं था मैंने मेरी क्लास में तो दिशा भी पढ़ती है और मेरी क्लास में साक्षी भी पढ़ती है तो मैंने कहा बच्चों दिशा और साक्षी दोनों को बोला की अपना प्रोजेक्ट बना के लाओ और हाईलाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए अब साक्षी अच्छी बच्ची है साक्षी ने कहा यार मेरे पास बहुत सारे पेन है दिशा तू चाहे तो मेरा पेन यूज कर ले मेरे पास आई हैव सो मेनी पेन मेरे पास मैं लिखूंगी एट द टाइम तो मैं एक ही पेन से लिखती हूँ तो अपन दोनों मिलके कर लेंगे और यू कैन यूज मेरा वाले पेन्स ठीक है तो दिशा और साक्षी ने साथ साथ बैठ के प्रोजेक्ट बनाए जब साक्षी ब्लू से लिख रही थी तो दिशा ने ब्लैक पेन से लिखना शुरू कर दिया साक्षी के ब्लैक पेन से और जब दिशा ब्लैक से लिख रही थी तो साक्षी ने क्या जब साक्षी ब्लैक से लिख रही थी तो दिशा ने ब्लू से उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया अब मेरे पास दिशा दिशा और साक्षी दोनों आए और उन्होंने कहा कि यार यार नहीं ऑफकोर्स मैम को यार नहीं बोला उन्होंने कहा लो मैम प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है और मुझे नहीं पता लगा कि दिशा के पास पेन था ही नहीं साक्षी के पास ही थे सारे पेन इसका मतलब इस केस में दोनों का काम हुआ दोनों ने शेयरिंग करी एक्चुअली साक्षी ने शेयरिंग करी किसके साथ शेयरिंग करी दिशा के साथ शेयरिंग करी तो इस किस्म की शेयरिंग जहां पे एक ऑर्बिटल खाली था और दूसरे ऑर्बिटल के पास दोनों मतलब टू इलेक्ट्रॉन थे और जब इनमें शेयरिंग हो गई तो टीचर को तो कुछ पता ही नहीं लगा कि किसके पास एक इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था कि क्या था मतलब बाद की स्थिति तो दोनों में सेम है ऑर्बी वाली

इस तरह की शेयरिंग एक डिफरेंट शेयरिंग हुई समझ में आई इसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब यह हुआ कि जब एक ऑर्बिटल खाली और एक ऑर्बिटल भरा हुआ एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो इस तरह का बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन किया ना इन लोगों ने आपस में तो इनको क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ठीक है अब इस बॉन्ड में भी शेयरिंग है लेकिन एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है ठीक है एक ऑर्बिटल भरा हुआ है और एक ऑर्बिटल खाली है अब जो भरा हुआ ऑर्बिटल है बच्चों उसको हम बोलते हैं डोनर ठीक है शेयरिंग के अंदर ये डोनर बनता है और जो खाली वाला है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर बनता है तो अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नेचर समझ में आ गया कि ये भी शेयरिंग है लेकिन इसकी शेयरिंग और नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की शेयरिंग में क्या डिफरेंस है तो आप फटाफट मुझे चैट बॉक्स में थम्सअप कर दो तो हम स्लाइड चेंज करें जल्दी से क्विकली बच्चों फटाफट से चैट बॉक्स में थम्सअप कर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता होना चाहिए ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझने के लिए चले बड़े आगे थम्सअप नहीं आया अभी तक तो चैट बॉक्स में जल्दी से फटाफट से थम्सअप करो और मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ती हूँ ये मैं शक्ल दिखा रही हूँ तुमको कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है क्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है चलो वेरी गुड सबको समझ में आ गया नाइस नाइस ये स्माइल दे दिया करो बॉक्स में स्माइल मेरे पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ाने के लिए स्माइल बहुत जरूरी होती है मुझे चैट बॉक्स मैं तुमको तो देख ही नहीं सकती मैं तुमको कैसे देखती हूँ तुम्हारी स्माइल्स को कैसे महसूस करती हूँ बॉक्स के थ्रू है ना तो स्माइल कर दिया करो चलो वेरी गुड वेरी गुड बच्चों कई बच्चे तो मुझे आइसक्रीम आइसक्रीम भी भेज रहे हैं यार आइसक्रीम कहाँ ठंड आने वाली है गला खराब हो जाएगा मैम का फिर मैम कैसे पढ़ाएगी चलो अब इसको जरा देखो जो मैंने तुमको अभी एक बेसिक बताया था कि दो स्पीशीज आपस में बॉन्ड बना रही हैं जिसमें एक स्पीशी के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है और एक स्पीशी के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और फिर जब वो ओवरलैपिंग करते हैं तो हमें पता ही नहीं पड़ता है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन थे किसके पास नहीं थे एक बनती है डोनर और एक बनती है है एक्सेप्टर स्पीशी ठीक यहाँ जो डोनर होते हैं ना बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक सेंटर में एक काला काला दिख रहा है तुमको सेंट्रल में मेटल होता है मेटल जनरली एक्सेप्टर की तरह काम करता है एक्सेप्टर की तरह ठीक है और मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ स्पीशीज जो है वो इस तरह से ओवरलैप करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो देती हैं हैं डोनर की तरह एक्ट करती तो इसको हम लीगेंस बोलते हैं यानी अब तक तुम्हें दो चीजें आती हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम जो कि एक्सेप्टर का, का काम करता है और एक होता है डोनर डोनर स्पीशी इसको हम लीगेंस बोलते हैं ये लीगन नाम तुम्हें रट जाएगा सूनर और लेटर बहुत जल्दी रट जाएगा ठीक है तो सेंट्रल मेटल एटम

मेटल के साथ जुड़ा हुआ तुमको मिलेगा लीगेंड लीगेंड एक से ज्यादा होने का चांस रहता है मतलब काफी बार एक से ज्यादा होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन इसको बेटा ये तुमको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुमको आज नहीं तो कल की क्लास तक अपने आप ही लर्न हो जाना है प्रैक्टिस से चीज अपने आप लर्न हो जाएंगी कोई रटने की बात नहीं अभी तो सिर्फ समझ लो ठीक है तो इसमें क्या है सेंटर में क्या है सेंटर में मेटल है ये लीगेंड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में मेटल और लीगेंट के बीच में एरो के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं क्योंकि यहां लीगेंड जो है इसको हम बोलेंगे डोनर और मेटल को हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर सिंपल मेटल एक्सेप्टर है मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बाइल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड मेटल का ऑर्बिटल खाली होता है और ligand का ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है और फिर जब ये ओवरलैप करते हैं तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो दे इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीगन ये स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें मेटल और लीगन एनक्लोज होते हैं और बाहर जो भी होता है जो भी कुछ होगा उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन ये वाली जो वैलेंसी है मतलब अगर हम इसको सॉल्यूशन में डालें तो ये बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फेयर और काउंटर आयन के बीच का बॉन्ड जो है वो आयोनिक होता है आयोनिक ठीक है आयोनिक बॉन्ड बनता है अभी वर्नर्स थ्योरी मैं आगे बताऊंगी आज नहीं बता रही हूं अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूं कि ये वाला बॉन्ड आयोनिक होता है आयोनिक बोले तो जैसे एनएसीएल नहीं आयोनिक होता पानी में डालते हैं एनए और सीएल माइनस में बिखर जाता है टूट जाता है डिसोसिएट हो जाता है वैसे ही अगर तुम पूरे कोर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पानी में डाल दो या किसी सोल्यूशन में डाल दो तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये आयोनिक बैलेंस कहलाती है ब्रेकेबल होती है अनाइजेबल होती है ये नहीं टूटते हैं भला को, कोवेलेंट बॉन्ड भी पानी में डालने पर टूटते हैं कभी सुना है कि सीएच के टुकड़े हो गए कार्बन लोग गया हाइड्रोजन अलग हो गया पानी में डालने में कभी नहीं सुना होगा क्योंकि होता ही नहीं है तो ये तो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ये पानी में डालने में अनडिसोसिएटेड रहते हैं जबकि ये वाली वैलेंसी टूट जाती है तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी जबकि मेटल और लिगेंड के बीच को हम बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी ठीक है क्लियर है यहां तक ये वाला बॉन्ड टूट जाता है इसको हम आयोनिक या आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं ये कोवेलेंट होता है या आयोनिक होता है कोवेलेंट तो ब्रेक होता नहीं है इसलिए नॉन आयोनाइजेबल या डिसोसिएट नहीं होने वाला बॉन्ड कहलाता है क्लियर है बच्चों आगे सिंपल सिंपल चीजें इंट्रोडक्शन चल रहा है आज अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम या जिसे मैं कहूंगी डेफिनेशंस तुमको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट टर्म्स का तुमको आइडिया होना चाहिए जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ऑफन यूज करने वाले हैं ठीक है थीके? वो कौन कौन सी हैं चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंडी कॉम्प्लेक्स अभी अभी जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया था ना बेटा इसको हम कोऑर्डिनेशन एंडी बोलते हैं ठीक है इसमें क्या है इसमें सेंट्रल मेटल आइटम होता है और क्या होता है फिक्स नंबर ऑफ आयन इन मॉलिक्यूल जिनको हम क्या बोलते हैं लीगेंट्स बोलते हैं तो कॉर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर क्या क्या हुआ सेंट्रल मेटल आयन एंड लीगेंट्स कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज दिस ब्रैकेट जिसमें कौन है एक तो सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा कौन है, दूसरे है. ये नाम मेरे बार -बार तुम मुझसे कि हो किसमें होते हैं right. है, है? आयन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जैसे इसको देखो इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को देखो निकल ये लीगेंड है ये लीगेंड है और निकल दिख रहा होगा ना निकल मेटल है यहाँ कौन सा मेटल दिख रहा है कोबाल्ट मेटल है यहाँ कौन सा मेटल दिख रहा है सेंट्रल एटम आयरन है जनरली तो ये एक होता है वैसे कुछ केसेस में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ये सेंट्रल एटम हाईलाइट जो मैंने किया है और ये क्या है ये लीगेंस है ठीक है लीगेंस क्या चीज होती है लीगेंस वो आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जैसे क्लोराइड भी लिगेंड हो सकता है वाटर भी लिगेंड हो सकता है अमोनिया भी लीगेंट हो सकता है ठीक है तो बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा मेटल मिलेगा मेटल के साथ एन नंबर ऑफ लिगेंड्स मिलेंगे इस पूरे को हम क्या बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे कॉर्डिनेशन एंटाइटी इसको हम क्या बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो कि एक्सेप्टर की तरह काम करता है एक्सेप्टर की तरह इसको हम क्या बोलेंगे लीगेंड बोलेंगे जो डोनर का काम करता है ये स्लाइड क्लियर है सबको थम्स अप कर दो फटाफट फटाफट जल्दी-जल्दी जल्दी-जल्दी थम्स अप करते चलो हम आगे चलते जाते हैं नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा तुमको सीरियसली मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा इसका नोमेनक्लेचर मुझे ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर से फार मोर इंटरेस्टिंग लगता है चलो

Legands का हम जिक्र कर रहे हैं देखो हेडिंग क्या है इलेक्ट्रॉन की की है? है, दे रहा है तो लीगेंट कौन हुआ डोनर हुआ जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है अब यार लीगेंट टाइप्स ऑफ लीगन को भी समझ लेते हैं ताकि नोम लेचर में आगे हम अटकेंगे नहीं पहला लीगेंट है यूनिडेंटेट यूनिडेंटेट मतलब जिस लीगेंट के पास सिर्फ एक डोनर साइटो डोनर साइट बेसिकली वो एटम होता है जैसे अगर मैं ओ एच माइनस की बात करूं एज ए लीगेंड तो मेटल के साथ ओ एच माइनस ऑक्सीजन के थ्रू इंटरेक्ट करता है तो एक लीगेंड अपने कौन से एटम के थ्रू मेटल से इंटरेक्शन कर रहा है उसको हम डोनर साइट बोलते हैं

देखो अगर कोई दो दांत से पकड़े तो वो क्या कहलाएगा बाईड अगर कोई तीन दांत से पकड़े थ्री कोई लीगन मेटल को अगर तीन दांतों से पकड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा ट्राइडेंटेड अगर कोई चार दांतों से पकड़े तो टेट्रा पांच से पकड़े एक ही लीगन ने पांच मुंह लगा के मेटल को पकड़ लिया तो वो क्या कहलाएगा पेंटा और छह मैं ऐसे हाथों से नहीं कर सकती हूँ इशारा बट छह वाला क्या कहलाएगा हेक्सा क्लियर हो गया कि कितनी डोनर साइट्स हैं किसी पर्टिकुलर लीगेंट में जिसके थ्रू लीगेंट मेटल को पकड़ सकता है एक दो तीन चार पांच अच्छे पॉलीडेंटेड लीगेंट्स क्लियर हो गया एग्जाम्पल दे चलिए एग्जाम्पल देते हैं ये एग्जाम्पल तो दे दिया मैंने ओ एच माइनस मोनोडेंटेट होता है ठीक है ओ एच माइनस मोनोडेंटेट होता है अमीन एज अ लीगेंट मोनोडेंटेट होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक डोनर साइट होती है विच इज दिस नाइट्रोजन है ना एक डोनर साइट वाले को सी एन माइनस मोनोडेंटेट होता है क्योंकि इसके पास भी एट द टाइम एक ही डोनर साइट होती है बाईडेंटेट का मैं एग्जाम्पल देती हूं का मैं आपको देती हूं एक करके होता है CH2, CH2, NH2, NH2. ये देखो दो तीन बच्चों ने बोला है कि मैम एग्जाम्पल दो वैसे तो आगे बहुत एग्जाम्पल्स आने वाले हैं फिर भी एग्जाम्पल ये लो ये देखो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एन डायमीन. अब इसका नाम ही, बक, पक्का पक्का तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही मैम ये भी समझाओ कि इसका नाम समझाओं डायमिन क्यों रखा तो देखो इसको हम बोलते हैं इथाइली और ये दो अमीनो ग्रुप के कारण ऑर्गेनिक पड़ चुके हो ना तो दो अमीनो ग्रुप के कारण इसको क्या बोलेंगे डाई अमीन इथाइलिन डायमीन इथाइलिन डाय अमीन अब तुम देखो इसपे कितनी डोनर साइट्स हैं इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स जो होती है ना बच्चों वो डोनर साइट की तरह काम करती है इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स किस तरह काम करती है डोनर साइट्स की तरह तो अब अगर सिंगल है तो ये इधर से भी अटैक मारेगा और इधर से भी अटैक मारेगा इसका मतलब इसने कितने दांत से पकड़ा है मेटल को दो से ठीक है तो ये कौन सा डेंटेट हो गया बाय डेंटेट लीगेंट हो गया ये दिस इज नोन एज डेंटेट लीगेंट समझ में आ गया बच्चों आगे के एक्साम्पल बहुत सारे नोम में आएंगे आई एम वेरी वेरी यू नो एक्साइटेड टू स्टार्ट द दोमलेचर बिकॉज मजा उसी में आएगा मतलब असली थ्रिल तो वहीं से स्टार्ट होगा ठीक है तो जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करें ताकि नोम की तरफ हम प्रोसीड कर सके ठीक है इट इट इज 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 आनंद राइट नोन एज कीलेटिंग लिगेंड लेकिन कीलेशन तुम्हें बाद में बताऊंगी क्या चीज होती है फिलहाल तुम्हें समझ में आया कि सिंगल लिगेंड कैसे दो दांतों से पकड़ रहा है मेटल को दो दांतों से कैन यू सी दिस दो दांतों से ठीक है इसलिए इसको हमने क्या बोला लिगेंड क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दिया करो फटाफट से डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो कंसीडर करें किस में बेटा इनमें कोई डबल ट्रिपल मेटल ये केमिस्ट्री इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते मेटल सिंगल बॉन्ड नहीं बनाते हैं खुश रहते हैं ये कम में ही सुखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फैल फैल के जिसमें डबल बॉन्ड बन रहे हैं ट्रिपल बन रहे हैं लीगेंट अगर ऑर्गेनिक है तो उनमें डबल ट्रिपल बनेंगे मेटल के साथ डबल ट्रिपल नहीं बनते अरे वाह आ गई मेरे लिए वेरी गुड चलो आगे चलते हैं फर्स्ट यू नीड टू लाइन अब हम नोम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने कुछ बेसिक चीज़ें तो पढ़ी ली हैं इतना तो हमें आइडिया है कि कॉर्डिनेट बॉन्ड क्या है एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है डोनर कौन है लीगेंट एक्सेप्टर कौन है मेटल किस में बंधे पड़े हैं कहाँ जेल इनके कॉर्डिनेशन स्पेयर इनके बीच के बॉन्ड को कॉर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं जबकि बाहर जो अपन ने पटक रखा है उसको क्या बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है लीगेंट बहुत सारे तरीके का होता है जैसे मोनोडेंटेड ऑडेंटेड बाईडेंटेड ट्राईडेंटेड तो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन इज मच क्लियर नाउ अब यार थ्रिल धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है चर स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू लर्न हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम नोम स्टार्ट करने से पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बताते नहीं है सीधा नोमन सिखा देते हैं तो उसमें बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट में अटकते रहते हैं बट हम पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पे एक बार हमारी मास्टरी हो गई ना फिर नॉर्मल फिलजे में हम अटकने वाले नहीं है ठीक है तो चलो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाती हूँ में में जितने भी कॉमन मोनोडेंटेड लीगेंड है उनके चार्जेज है बच्चों है ना तो ये पीडीएफ में मैंने एड करी है ताकि तुम लोगों को हेल्प मिल सके जब तुम सेल्फ स्टडी करो ठीक है तो चलो लेटस गेट स्टार्टेड पहला एग्जाम्पल इसमें सपोज हम क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बहुत वैल्यू होती है नाम देने में हर में कोई भी एग्जाम्पल आपको मालूम होनी चाहिए तो एक बार इसको सेपरेटली टॉपिक को पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ये रहा सेंट्रल एटम सारे बच्चों के पकड़ में आ रहा है ना कि कोबाल्ट इज द सेंट्रल एटम इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल अब इसको मानेंगे एक्स ठीक है इसको मानेंगे एक्स जो सेंट्रल एटम होगा उसको हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे साइनो कैसा लिगेंड होता है टेबल में से रेफर करो आई होप कि टेबल में हो ये रहा साइनो का क्या चार्ज है बच्चा साइनो का चार्ज है माइनस वन और कितने साइनो है एक साइनो है तो इसका चार्ज लगा दो माइनस वन ठीक है पानी एक न्यूट्रल लिगेंड होता है पानी कैसा लिगेंड होता है जीरो चार्ज वाला पानी वाटर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज तो होता नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसके लिए कुछ नहीं लगा रहे हम जीरो कुछ नहीं लिख रहे हम लिखेंगे ही नहीं ठीक है स्मार्टली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इथाइलिन डायमीन अभी अभी ये ई एन क्या था अभी पढ़ा था ना तुमने ई एन मैंने अभी एक बच्चे के रिक्वेस्ट पे बना के दिखाया था ये रहा इसमें भी बेटा कोई चार्ज नहीं होता बिल्कुल न्यूट्रल लिगेंड होता है जीरो चार्ज होता है मतलब चार्ज आया ही नहीं अब ये वाला जो चार्ज है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फे के ऊपर लगा हुआ है इसको यहां प्लस टू कर दो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है एक्स इज इक्वल्स टू ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या प्लस थ्री फटाफट से मुझे प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ सारे बच्चे प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ जैसे मैंने तुम्हें पहले वाले के सिखाई देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है अच्छा पीटी जरूर लिखना पता नहीं चलता पिछले क्वेश्चन की बता रहे हो अगले क्वेश्चन की बता रहे हो तो जिस किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो उस मेटल को लिख करके फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ठीक है थ्रिल धीरे धीरे शुरू हो रहा है बच्चों बहुत मजा आने वाला है कल की क्लास में तो भर भर के नोमेंट्लेचर प्रैक्टिस करेंगे ट्रस्ट मी ऑर्गेनिक के नोम क्लेचर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये कोर्डिनेशन का नोमेंट्लेचर एक बार तुमको आ गया ना तुमको लगेगा मस्त चीज है यार और एग्जाम में आएगा ही आएगा इसका सवाल हां जी कितना आ रहा है प्लेटिनम का टू आ रहा है मैक्सिमम बच्चे प्लस टू माइनस टू कोई माइनस टू कोई माइनस टू सिक्स भी बता रहे हो चलो मैं निकालती हूँ प्लेटिनम uh, को कर देते हैं एक्स क्लोराइड पे तो माइनस वन का चार्ज होता है ना सी एल माइनस होता है क्लोराइड आयन है ना तो इसको माइनस फोर कर देते हैं क्योंकि ईच क्लोराइड आयन हैज माइनस वन ऑफ चार्ज तो फोर क्लोराइड आयन है माइनस टू का चार्ज है माइनस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू तो x इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू प्लस फोर यानी कि x इज इक्वल टू प्लस टू ठीक है x इज इक्वल टू वेरी गुड अब क्रोमियम का निकालो यहां पे। क्रोमियम का स्टेट निकालो और मेटल का नाम लिख के रिपोर्ट किया करो मालूम नहीं पड़ता कि किसका आंसर दे रहे हो है ना या फिर ये सी लिखो या फिर क्रोमियम लिखो पता लगेगा ना कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो हाँ जी संजीव सही आंसर दे रहे हैं प्लैटिनम प्लस टू वेरी गुड इसका बताओ फटाफट फड़ से क्रोमियम का बताओ जल्दी से क्रोमियम का प्लस थ्री आ रहा है प्लैटिनम का मैं अभी किसका पूछा अभी तो क्रोमियम का पूछ रखा है ना यस लेट अस सी पावनी चौधरी आनंद सिंह राजपूत क्रोमियम का थ्री धर्मेंद्र क्रोमियम का थ्री खुशी क्रोमियम का टू चलो देखते हैं किसका सही है ये एक्स लगाया अपन ने ये X क्लोराइड आयन माइनस वन होता ही है सी एल माइनस होता है क्लोरीन कितने हैं तीन है तो माइनस थ्री लिख रही हूँ मैं क्योंकि एक क्लोरीन पे माइनस वन का चार्ज है तो तीन क्लोरीन पे माइनस थ्री का चार्ज होगा तो मैंने क्लोरीन के लिए माइनस थ्री लिख दिया अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड होता है अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता नॉर्मली हम एन थ्री पे कोई चार्ज नहीं लगाते ठीक है इज इक्वल टू जीरो क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे भी कोई चार्ज नहीं है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा प्लस थ्री हो जाएगी ना इसमें थोड़ी सी मास्ट्री लिख के आओ अगर ये गलत होगा तो नोमन क्लेचर का क्वेश्चन आते आते भी गलत हो जाएगा ठीक है अब कोबाल्ट का बताओ फटाफट -फड़ से जल्दी से कोबाल्ट का बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स ब्रोमीन का कितना है माइनस वन का चार्ज होता है ब्रोमाइड आयन पे भी ब्रोमाइड आयन पे माइनस वन का चार्ज होता है तो बी आर माइनस टू

कि मैम मूव ऑन टू द नेदर स्लाइड नेहल लेट हो गए बेटा कोई बात नहीं इसको तो रिकॉर्डेड देख लेना कल से टाइम पे आना चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब आयरन का निकालो इधर कार्बोनिल लिगेंड न्यूट्रल होता है कार्बोनिल लिगेंड न्यूट्रल होता है विच मीन्स की कार्बोन लिगेंड पे जीरो चार्ज होता है अब निकालो बेटा आयरन का बताओ मुझे जल्दी जल्दी फटाफट से जैसे मैं पूछू मुझे चैटबॉक्स में रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए आयरन का फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्विकली वंशिका दोबारा बताऊं, दोबारा बताती हूं पोटेशियम बेटा काउंटर आयन था ना इसलिए पोटेशियम का नहीं निकाला ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर के एटम का निकालना होता है एक स्टूडेंट का मैंने डाउट देखा है नाम नहीं देख पाई हूं कि इस वाले एग्जाम्पल में आपने पोटेशियम का क्यों नहीं निकाला बेटा पोटेशियम जो होता है वो काउंटर आयन है काउंटर आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट हम नहीं निकालते हैं हम अंदर वाले मेटल के निकालते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में इंक्लोज होता है पोटेशियम तो आपका के प्लस का चार्ज आपको मालूम ही है ना अल्कली मेटल है तो प्लस वन का चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट हम सेंट्रल मेटल आयन का निकालते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर होता है चलो हाँ जी इसका जीरो वेरी गुड चलो इसका बताओ आयरन का बताओ नेक्स्ट वाले में ये ऑक्सिलेट है चलो इसका ओरिजिन बता देती हूँ इसको जानते हो सी डब्ल्यू एच सी डब्ल्यू एच दिस इज ऑक्जैलिक एसिड ऑक्जैलिक एसिड ठीक है ऑक्जैलिक एसिड अब ऑक्जैलिक एसिड में से अगर हम दो हाइड्रोजन्स हटा दें क्योंकि एसिड तो प्रोटॉन डोनर होते हैं ठीक है एसिड तो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं तो इन पे माइनस का चार्ज आ जाएगा तो यही तो है वो C2O4 ऑक्सिलेट आयन इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सिलेट एनायन ठीक है और इस पे चार्ज क्या होता है C2 C2 चार ऑक्सीजन गिन लो O4 टोटल चार्ज गिन लो 2 माइनस तो इसका मतलब ऑक्सिलेट पे 2 माइनस का चार्ज होता है इस पे -2 का चार्ज होता है निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की सेकंड वाले एग्जांपल में कितनी आई है चलो इसका करके देखते हैं x है ना x इसको मान लिया ऑक्जिलेट पे तुम्हें दिख रहा है माइनस टू का चार्ज ये देखो माइनस वन एंड माइनस वन ठीक है माइनस टू इन टू कितने ठीक है थीके? अब ये तीन है और इक्वल्स टू माइनस थ्री तो ये x माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस थ्री तो इस वाले आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस थ्री कॉपर की निकालो बच्चों फटाफट से कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जल्दी से क्विकली मेरे बच्चों फटाफट फड़ से अब कॉपर की निकालो कॉपर की सबको क्लियर हो रहा है या वापस से बतानी है चीजें अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास जल्दी जल्दी करते चलो कॉपर की प्लस वन आनंद सिंह राजपूत कह रहे हैं कॉपर की प्लस वन शिवानी सरिता कह रही हैं कॉपर की वन और बच्चे नहीं बता रहे कॉपर की हेलो रेनू गर्ग मेरे को लग रहा है तुम बहुत दिनों बाद आए हो बेटा मैंने तो तुम्हारा नाम ही चैट बॉक्स में कई दिनों बाद देखा है कॉपर की प्लस वन चलो तो ये वाला एग्जाम्पल मैं यहां सॉल्व करती हूँ एक्स फॉर कॉपर साइनाइड आई एन माइनस वन होता है सी एन माइनस होता है ठीक है तो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई एक्स की वैल्यू हो गई प्लस वन वेरी गुड अब इसकी निकालो इस वाले कोबाल्ट की डी का निकालो कोबाल्ट का क्या है कोबाल्ट की निकालो कोबाल्ट की निकालो जल्दी जल्दी फटाफट से आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और रेगुलर आओ है ना और मैं ना ऑर्गेनिक के नोम की सीरीज स्टार्ट कर रही हूं कल मॉर्निंग इलेवन थर्टी से स्पेशल क्लासेस में ऑर्गेनिक नोमन अगर किसी को पुअर लगता है तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूं इवन इलेवंथ के बच्चे भी आ सकते हैं ठीक है तो वो मैं कल सुबह साढ़े ग्यारह से स्टार्ट कर रही हूँ करीब करीब आठ दस सेशन लूंगी वन वन आर के तुम्हारा ऑर्गेनिक नोमन भी बहुत अच्छा हो जाएगा कल सुबह साढ़े बजे से ठीक है और स्पेशल क्लास में आना मत भूलना तुम्हारा ओवरऑल नोम बहुत अच्छा हो जाएगा जिससे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम नहीं अटकोगे और तुम्हें पता है nomenclature सिर्फ nomenclature के क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ा जाता अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम कोई और क्वेश्चन भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनिक के तो सारे सवाल ही नाम से करवाते हैं वो लोग हमें नाम से स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना रहा तो हम कहां से करेंगे फिर है ना हां जी कितना आया कोबाल्ट जो है एक्स ठीक है साइनाइड पे माइनस वन का चार्ज होता है माइनस वन ठीक है उसके बाद वाटर न्यूट्रल इन न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे charge plus 2, तो एक्स इज निकालो कितना आ रहा है? प्लस थ्री आ रहा है देखते हैं एक्स ब्रोमाइड माइनस वन होता है वंशिका आया बेटा ब्रोमाइड माइनस वन होता है तो माइनस टू कर दिया ये न्यूट्रल होता है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर का चार्ज प्लस वन कर दिया तो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री हो गया तो आई होप सबको क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट एक और सवाल कर ले एक और सेट कर लेते हैं यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक और कर लेते हैं इसका निकालो ये कर लियान एच टू सी एन एच टू यह कर लिया बेटा ये वाला कर लिया इसका निकालो प्लेटिनम का निकालो जल्दी से क्विकली फटाफट से प्लेटिनम का निकालो मैं वापस से बता दूं कल सारे बच्चे आजाना इलेवन थर्टी मॉर्निंग स्पेशल क्लास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और सेशन को लाइक कर दो यार सेशन को अभी तक लाइक भी किया है कि नहीं किया है मैम का फेवरेट चैप्टर है मैम तुम्हारा भी फेवरेट चैप्टर बना देगी इसको सेशन को लाइक कर दो जल्दी से प्लेटिनम का एक्स क्लोराइड आयन माइनस वन होता है तो क्योंकि चार क्लोराइड आयन है तो माइनस वन इंटू फोर करोगे तो माइनस फोर आ जाएगा इक्वल्स टू तो ये जो बाहर है उसको यहां लिख दो तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी x इज इक्वल्स टू प्लस टू आया समझ में x इज इक्वल्स टू प्लस टू वेरी गुड क्रोमियम का निकालो क्रोमियम का निकालो जल्दी से क्विकली शुभा जयसवाल यो वेलकम बेटा थैंक यू सो मच बेटू थैंक यू सो मच क्रोमियम का निकालो एक्स कितने क्लोरीन है तीन तो माइनस थ्री कर दो अमोनिया कितने हैं तीन लेकिन अमोनिया तो न्यूट्रल होता है अमोनिया पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता तो उसको तो हटा दो इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस थ्री हो जाएगी चलो कोबाल्ट का निकालो कोबाल्ट का निकालो फटाफट फड़ से जल्दी से स्पेशल क्लास बेटा फ्री सेशन होता है स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कल सुबह बस अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो नथिंग एल्स वहाँ मेरा नाम है मोनिका बेदी मुझे फॉलो कर लेना तुम्हारे तो पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन ना भी आए तो तुम तो इलेवन थर्टी पे ना एक बारी मोनिका बेदी को क्लिक करके देख लेना मैं वहां नूमन सिखा रही हूँ ठीक है हां जी तो कोबाल्ट का कितना आ रहा है एक्स मुझे क्या लग रहा है बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक में नोम की वजह से अटक जाते हैं इसलिए मैंने ये न्यू सीरीज स्टार्ट करने का फैसला किया है और तुम ही लोगों की भलाई के लिए किया इसलिए आ जाना चुपचाप से तो माइनस टू और ये तो न्यूट्रल है इज इक्वल्स टू प्लस वन तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस थ्री ठीक है आयरन का निकालो एक्स साइनाइड कितने हैं साइनाइड पे माइनस वन का चार्ज होता है छह है तो माइनस सिक्स ये हमने कर लिया शायद पीछे ये रिपीट हो गया है प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू प्लस थ्री चलो जी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फटाफट थम्स अप कर दो अब हम कोर रोमन क्लेचर पे आने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जल्दी से थम्सअप कर दो कल का हमारा पूरा सेशन इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना इसके जो क्योंकि जिस बच्चे को नहीं आते होंगे उसको तुम बताओगे तो घबरा जाएगा कि इतने लंबे नाम और तुम कैसे निकाल पा रहे हो बहुत ईजी टेक्निक सिखाने वाली हो जिसके थ्रू तुमको नाम आ जाएंगे ठीक है जल्दी से थम्सअप करो फिर आगे चले चलो रूल नंबर वन अब मेन कोर नोमलेचर पे आ रहे हैं ठीक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोम पे पहला रूल ये कहता है तुम्हें पता है ना कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है ठीक है जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और बाहर क्या होता है व्हाट इज आउटसाइड लिखते जाओ चैट बॉक्स में साथ साथ बाहर क्या मिलता है काउंटर आयन मिलता है काउंटर आयन ठीक है अंदर क्या है मेटल है ड है एंड बाहर क्या है काउंटर आयन है ठीक है रूल नंबर वन ये कहता है कि जब तुम नाम दोगे इस कॉम्प्लेक्स का तो पहले तुम कैटायन को नाम दोगे और फिर एनायन को वाइल्ड नेमिंग द कॉम्प्लेक्स यू शुड फर्स्ट नेम कैटायन एंड देन इट इज देन द एनायन इज नेम तो ये ऑर्डर ध्यान रखना अब ये कैटायन और ये एनायन हो सकता है इट इज पॉसिबल कि कॉर्डिनेशन स्फेयर कैटायन हो कॉर्डिनेशन स्फेयर कैटायन हो और ये जो काउंटर आयन है वो एनायन हो दिस इज क्वाइट पॉसिबल ठीक है यह भी हो सकता है कि कॉर्डिनेशन स्फेयर एन आयन हो और काउंटर आयन जो है वो कैटायन हो है ना क्वाइट पॉसिबल दोनों चीजें पॉसिबल हैं समझो कॉर्डिनेशन स्फेयर कैटाइनिक और काउंटर एन एनआनिक हो सकता है कॉर्डिनेशन स्फेयर एनाइनिक काउंटर आयन केटाइनिक हो सकता है इन एनी केस तुम्हारा रूल नंबर वन ये कहता है कि तुम्हें कैटायन यानी पॉजिटिव आयन को पहले नाम देना है फिर नेगेटिव आयन को अगर तुम्हारा ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो पॉजिटिव आयन है यानी केटाइन है तो पहले स्फेयर को नाम दोगे फिर काउंटर आयन को नाम दोगे अगर उल्टा है तो पहले काउंटर आयन को नाम दोगे फिर स्फेयर को नाम दोगे मतलब इट इज नॉट बेस्ड अपॉन काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फेयर इट इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑर्डर दैट केटायन इज नेम्ड फर्स्ट रूल नंबर वन क्लियर केटायन इज नेम्ड फर्स्ट पहले केटायन का नाम दोगे और फिर एनायन का नाम दोगे अब कैटायन ये है तो पहले इसका नाम देंगे कैटाइन ये है तो पहले इसका नाम देंगे तो ठीक है का नाम पहले थम्स अप करते जाओ हर रूल के लिए जो जो रूल तुमको को नाम देना है हमने, और फिर हमने किसको नाम देना है एनायन को थैंक यू सो मच एक्सट्रीम थैंक यू सो मच थैंक यू मोहित राज थैंक यू सो मच बेटा रूल नंबर टू रूल नंबर टू कहता है कि जब तुम कोऑर्डिनेशन फेयर को नाम दे रहे होगे तो पहले तुम्हारा धर्म बनता है तुम लीगेंस को नाम दो फिर मेटल को पहले लीगन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हो फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में आता है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है याद है किसी भी जैसे ओइक एसिड सबसे एंड में आता है अल सबसे एंड में आता है ओन सबसे एंड में आता है तो फंक्शनल ग्रुप सबसे एंड में आता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मेटल है? है इसलिए मेटल का नाम बाद में आएगा लास्ट में आएगा जैसे हमारे नाम में मेरे नाम में मोनिका बेदी बेदी लास्ट में आता है मेरे लिए बेदी ज्यादा मैटर करता है

थम्स अप दिख नहीं रहे मुझे चैट बॉक्स में रूल्स नहीं समझोगे तो आगे अटकते रहोगे रिपीट रिपीट करते रहोगे फिर क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने वाली हूं मैं आगे सो मेनी एग्जाम्पल्स आई बी डूइंग टुडे एंड टुमारो है ना बट उसके लिए रूल्स यहां एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए पहले के कैटायन फिर एन आयन वाइल नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पहले लीगेंड फिर मेटल रूल नंबर थ्री जब आप लीगेंट्स को नाम दे रहे हो और लीगेंट्स एक से ज्यादा है लीगेंड अगर एक से ज्यादा है जैसे एक ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अमोनिया भी लीगेंड है वाटर अभी देखे थे ना तुमने ऐसे जिसमें क्लोराइड भी लीगेंड है साइनो भी लीगेंड है अमोनिया भी लीगेंड है एक से ज्यादा लीगेंड होने पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा लीगेंड को जो पहले आता है अल्फाबेट जो ऑर्गेनिक में करते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो फॉलो करते हो जैसे ब्रोमो भी है क्लोरो तो पहले क्लोरो रिप्रेजेंट करते हो आप पहले ब्रोमो रिप्रेजेंट करते हो फिर क्लोरो रिप्रेजेंट करते हो फिर आयोडो रिप्रेजेंट करते हो ऐसे ही इसमें भी लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है तीनों रूल क्लियर पहला कैटायन को नाम दोगे फिर एनायन को वाइल्ड नेमिंग द कोऑर्डिनेशन फेयर पहले लीगेंस को नाम दोगे फिर मेटल को लीगेंस एक से ज्यादा होने पर आप अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी को फॉलो करोगे ठीक है चलो आगे चलते हैं रूल नंबर फोर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेंट्रल मेटल आयन के ब्रैकेट में अभी मैंने बताया ना ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए मैंने निकालना आप लोगों को क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मेंशन करना बहुत बहुत जरूरी होता है तो जैसे ही आप मेटल लिखे तो ब्रैकेट में पेरथीसिस में ब्रैकेट में रोमन के अंदर ऑक्सीडेशन रोमन न्यूमरल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है चार रूल्स हमें याद हो गए हैं ठीक है बेटा हाँ, येस दिस इज फॉर आई एस सी बोर्ड ऑल्सो बेटा आकाश प्रजापति दिस इज फॉर आई एस सी वोड ऑल्सो तुम्हें हार्डली होंगे पांच छह मैं कम से कम पचास प्रैक्टिस कराने वाली हूँ ठीक है तो ध्यान से पढ़ो ठीक है चलो पहला चीज कैटायन को नाम फिर अनायन को नाम दूसरा चीज कोऑर्डिनेशन स्फेयर को नाम देते वक्त पहले लीगेंट्स को नाम देंगे फिर मेटल को नाम देंगे तीसरा रूल अगर लीगेंड एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी पे अपन नेमिंग करेंगे मतलब जो लिगेंड अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले नाम देंगे फॉलोड जो मैं निकालना सिखा चुकी हूं अगला रूल तो देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर को नाम देते ये सीक्वेंस होना चाहिए ये वाला लिगेंड को पहले नाम देंगे दैट टू अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को नाम देंगे ठीक है

कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जितना जॉइंट चैप्टर आज ही खत्म कर दें समाप्त तो आज कर देंगे फिर समझ में कुछ नहीं आएगा सारे ऊपर से सारी बॉल्स बाउंसर जाएंगी थैंक यू रेनू थैंक यू सो मच बिटू थैंक यू सानिया रिजवी थैंक यू बिटू मैम विच बिट चैनल शुड आई फॉलो बेटा ये तो तुम्हारी चॉइस है बिटू एक्सट्रीम नाम से आप जो भी बच्चे हैं इट्स योर चॉइस ना बेटा चलो आगे चलते हैं

ओम का सुर कब आना चाहिए अगर लीगेंड पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फाइडो साइनो ऑक्जिलेटो अमीडो आइसोथसाइड आइसोथायोसाइनेटो नाइट्रो ऑक्ो अजाइडो आया समझ कि अगर लीगेंड पे नेगेटिव चार्ज है तो लीगेंड के आगे सुर निकाल लेना एक और वो सुर क्या होगा ओ ठीक है चलो आगे चलते हैं फॉर द लीगेंड कैरिंग पॉजिटिव चार्ज अगर लीगेंड पे, पे पॉजिटिव चार्ज है तो ईएम से उसको एंड करते हैं ईएम से अगर लीगन पे पॉजिटिव चार्ज है तो द नेम इज एंड विद एम अगर लीगन पे नेगेटिव चार्ज है तो द नेम इज एंड विद ओ का स्वर ठीक है चलो ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने नाइट्रोनियम न्यूट्रल लिगेंड में कुछ नहीं होता न्यूट्रल लिगेंड में कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं होती नॉर्मल जो उसका नाम है वही उसका नाम रहेगा जैसे अमीन अमोनिया होता है ना अमोनिया को अमीन पानी को एक्वा कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं है ठीक है चलो आगे चलते हैं रूल नंबर सिक्स एंडिंग द नेम ऑफ सेंट्रल आइटम लास्ट रूल है इसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है लास्ट रूल एंडिंग द नेम ऑफ सेंट्रल आइटम अगर जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो एनायोनिक है, मतलब उस negative charge है और पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन है काउंटर आयन तो उस केस में जो तुम्हारा मेटल है उसके नाम के आगे एट लगाना है ठीक है जैसे कोबालेट कुट अर्जेंट एट इस तरीके से ठीक है निकलेट ये एट कब आएगा अगर कॉम्प्लेक्स एनआईनिक है यार ओवर डोज ऑफ रूल्स तो नहीं हो गई अब एग्जाम्पल के थ्रू इतने एग्जाम्पल करें कि रूल अपने आप याद हो जाए है कि नहीं चलो मैम ये जेई के लिए भी कवर हो जाएगा ये चैप्टर बिल्कुल बेटा हंड्रेड परसेंट मैम ने इस चैप्टर पे ना थीसिस लिखी हुई है मैम ने इस चैप्टर पे इतनी मोटी थीसिस लिखी हुई है अभी यहाँ तक तो मामला गड़बड़ हो रखा है मैं जा नहीं पाऊंगी इतनी दूर तक बट वो इतनी मोटी लिखी में जेई का भी नहीं कवर करवाऊंगी पक्का से कवर करवाऊंगी डोंट बारी ठीक है सुन लो बात को तो रूल नंबर वन क्या था फटाफटन मारते नंबर वन <coughs> नंबर वन को पहले नाम देंगे फिर नंबर टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर को नाम देते हुए पहले नाम देंगे फिर मेटल को नंबर थ्री अगर लीगेंट एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दे देना नंबर तो और अगर कॉम्प्लेक्स ने है तो मेटल तो के एंड में, में एट तो जैसे निकल एट कॉपरेट कुट इस तरीके से करना है अब यार एक्साम्पल से पढ़ेंगे अब एग्जाम्पल में मजा आएगा नंबर सबको एक जैसे लग गए one, two, three, four, इसको एक ही एग्जाम्पल मान लें क्या है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एग्जाम्पल नंबर वन अब एक दो ना एक दो मैं करके दिखाऊंगी फिर आपने बॉक्स में रिस्पॉन्ड करना है पचास एग्जाम्पल करवाऊंगी ठीक है चलो आज नहीं करवाऊंगी घबरा मत जाना मैम क्लास ओवर होने वाली है क्या बात कर रहे हो पचास एग्जाम्पल आज सिर्फ कितने एग्जाम्पल करेंगे लेस देन टेन ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं CO एन एस थ्री होल सिक्स सी एल थ्री क्या बताया था मैंने आपको <coughs> ये देखो बच्चो इफ यू कैन सी दिस दिस होल बुक इज रिटन ऑन कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री बाई ऑस ओनली एम बी मैम कैन यू सी दिस ये कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री पे है टॉपिक तो तुमको दिखाई पता नहीं दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा सिंथेसिज एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ सम न्यू कॉर्डिनेशन कंपाउंड आई होप यू कैन सी दिस टॉपिक तो तुम्हारी मैम ने जब इतनी मोटी किताब लिख दी इस पे तो फिर तुमको जेई और नीट का तो करवाएंगी करवाएंगी शुरू करो बच्चों नाम देना मैम वेन विल यू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्वरूप अप्री बेटा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल क्लासेस में जस्ट स्टार्ट करी एक ही चैप्टर हुआ है चार में से पांच में से बायोमोलिक्यूल्स को भी ऑर्गेनिक का मानो वहां पे ज्वाइन कर जाओ यहाँ तो हो चुकी हाँ चलिए इसका नाम देते हैं नाम क्या आएगा क्या बताया था मैंने आपको कैटायन सा नेम फर्स्ट काउंटर आयन कैसा है काउंटर आयन एनायन है ठीक है काउंटर आयन क्या है काउंटर आयन एनायन है एक मिनट पेन बढ़िया सा लेते हैं रेड कलर लेते हैं रेड कलर मुझे बहुत पसंद है काउंटर आयन एन आयन है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर uh, 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 जो है वो क्या है कैटायन है तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि एनायन और कैटायन में से पहले कैटायन का नाम देना फिर एनायन का नाम देना तो कैटायन का नाम और कैटायन कॉम्प्लेक्स का नाम देते वक्त पहले लीगेंड्स का नाम देना फिर मेटल का नाम देना तो स्टार्ट करेंगे लीगेंड के नाम से हेग्जा क्योंकि ये न्यूट्रल लीगेंड है न्यूट्रल लीगेंड होता है ना अमीन पे कोई चार्ज तो होता नहीं है तो हेग्जा अमीन हैग्जा अमीन प्लैटिनम प्लैटिनम और मेटल का हमेशा ब्रैकेट में रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फोर है फोर कैसे है X माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो अमोनिया तो न्यूट्रल होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम की कितनी आएगी प्लस फोर आपको आती है ना निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी आएगी फोर और बाहर क्लोराइड है काउंटर आयन का नंबर कभी भी नहीं बताना है ध्यान रखना बच्चों काउंटर आयन का नंबर कभी भी नहीं बताना है ठीक है सिर्फ सिंपली लिखना है क्लोराइड थोड़ा सा गैप डाल के क्लोराइड क्या नाम हो जाएगा हेक्सामीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड आया बच्चों क्लिक हुआ हेक्सामीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड रूपाली केसरी वेरी गुड बेटा वेरी गुड यस संकल्प गुप्ता यू शुड बेटा चलो इस वाले का नाम बताओ अब इसमें ये कैटायन है अरे पहली स्लाइड छूट गई हां चलो इसका नाम बताओ रेणु गर्ग ने बताया कि मैम आपने पहली स्लाइड छोड़ के दूसरी पे आ गए हो कोई बात नहीं इसका नाम बताओ ये कॉर्डिनेशन स्फेयर है अब इसमें तो सिंपल एक सिंपल कॉर्डिनेशन फेयर है कोई काउंटर एन है ही नहीं तो सीधा सीधा नाम करना शुरू करो दो तरह के लीगेंड्स हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं जिसमें दो तरह के लिगेंड्स होते हैं जिसमें एक ही तरीके के लीगेंड्स होते हैं उनको हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं ठीक है इसमें दो तरह के लिगेंड है जब लिगेंड को नाम करते हो तो अल्फाबेटिकली करना होता है तो क्लोरो सी से पहले ये आता है ना क्लोरो स्टार्ट फ्रॉम सी अमीन स्टार्ट फ्रॉम ए तो पहले अमीन का नाम देना फिर क्लोरो का नाम देना ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट निकाल लो स्टेट प्लस थ्री आएगी इसकी क्योंकि क्लोरा क्लोरीन पे माइनस वन होता है और तीन क्लोरीन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी प्लस थ्री आ जाएगी ठीक है तो क्या नाम होगा ट्राई चलो मैं पहले चैट बॉक्स में नाम देखती हूँ बॉक्स में देखते हैं क्या नाम दिया फर्स्ट वाले का नाम दो बेटा ये शीट कर लेते हैं और ये शीट होमवर्क में दे देते हैं ठीक है फर्स्ट वाले का नाम दो टाइम टेबल बेटा मैं आती हूं टू टू थ्री डेली अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया है मैं पिछले चार महीने से दो से तीन बजे डेली यूट्यूब पे लाइव हो जाती हूं हेग्जा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड हेग्जामीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड लेकिन एक इसमें पंगा हो गया इसमें ऑक्सीडेशन ये यह, यहां नहीं लगेगा रुको बेटा इसको करेक्शन करना बेटा हेग्जा डेंटेड से ज्यादा तो मतलब आई मीन हेग्जा कोऑर्डिनेटेड से ज्यादा तो तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है तो क्लोरीन को तो निकालो बाहर इधर है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फेयर ठीक है तो इसको हम क्या लिखेंगे हेग्जा हेग्जा अमीन हैग्जा अमीन कोबाल्ट थर्ड कोबाल्ट थर्ड

न फॉर क्लोरीन माइनस टू फॉर टू क्लोरीन इज इक्वल फटाफट से नाम बताओ सेकंड वाले का जल्दी से कॉम्प्लेक्स दो तरह के लिगेंड्स हैं कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है बाहर एनायन है ना क्लोराइड एन आयन होता है सबको मालूम है आयंस एनायंस होते हैं तो पहले हम किसको नाम देंगे हम पहले कैटायन को नाम देने की वजह से पहले कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है अब इसमें दो तरह के लिगेंड है अमीन भी है और क्लोराइडो भी है तो हम क्या बोलेंगे पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड नाम समझ में आया पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ठीक है क्योंकि ये नेगेटिव था तो मैंने ओ लगा दिया ना देखो पेंटा अमीन पेंटा अमीन ये नेगेटिव लिगेंड होता है हालांकि यहां चार्ज नहीं दिखाते हम पर हमें पता है कि क्लोराइडो ने नेगेटिव लिगेंड होता है तो पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड क्लियर हो गया पेंटामिन बेटा नहीं पेंटामिन क्लोराइड लिखते ही संध्या नंबर कट जाएंगे नेगेटिव लिगेंड में तुम्हें सुर निकालना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है पेंटामिन क्लोरो भी लिख सकते हैं अनुराग कौशल वेरी गुड क्लोरो थर्ड क्लोराइड अगला वाला करो ये भी हो गया चलो इसको करो अब ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स हो जाता है प्लस थ्री करो बच्चों फटाफट से जल्दी से नाम बताओ देखिए सबसे पहले कौन बताता है चैट बॉक्स में नाम सबसे पहले कौन नाम बता रहा है हाँ बेटा सारे चैप्टर्स की प्ले तुमको मिल जाएगी देखे सबसे पहले कौन बता रहा है नितिन नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है मैं डेली दो बजे लाइव हो जाती हूँ वेरी रेयरली मैं नहीं आती हूं तो तुम्हें पता लग जाएगा मोस्टली मैं सब हर दिन दो बजे लाइव हो जाती हूँ तुम खुद ही यूट्यूब खोल के देखा करो हाँ जी बेटा थर्ड वाले का नाम बताना है

अभी ये डेफिनेशन नहीं पड़ी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं हां नाम बताओ टेट्रा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड नीति ने सबसे पहले नाम दिया है टेट्रा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड टेट्रा एक्वा क्लोराइडो क्लोराइडो क्योंकि नेगेटिव लिगेंड होगा तो ओम का सुर लगाना पड़ेगा टेट्रा एक्वा क्लोराइडो पानी को एक्वा बोलते हैं एज लिगेंड टेट्रा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड थर्ड फॉर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखनी रहती है और गैप डाल के क्लोराइड कभी भी मोनोक्लोराइड या डायक्लोराइड नहीं टेट्रा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड सिंपल रूल है रूल नंबर वन फॉलो किया हमने पहले कैटायन को नाम दिया फॉलोड बाय नाइन क्योंकि कॉम्प्लेक्स था कैटायन तो हमने पहले लीगेंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया फिर मेटल मेटल को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एंड किया और फाइनली हमने एनायन को नाम दिया मतलब ये रहा कैटायन का नाम और ये रहा एनायन का नाम ठीक है पहले हमेशा किस को नाम देते हैं कैटायन को नाम देते हैं और बाद में किसको नाम देते हैं एनआईन को देते हैं तो ये रूल नंबर वन रहा कैटायन को नाम देते वक्त या कॉम्प्लेक्स को नाम देते वक्त लीगेंस को एल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देते हैं करेक्ट हमने फॉलो किया मेटल को उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एंड करते हैं हमने फॉलो किया और काउंटर काउंटराइन का नंबर नहीं एक्सप्रेस करते इस वाले का बताओ फोर्थ वाले का थर्ड भी हो गया फोर्थ का देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा है ओके पोटेशियम टेट्रासाइनाइड अनुराग गलती कर दी बेटा साइनो uh, नेगेटिव होता है नेगेटिव में ओ का साउंड आता है जय पवार बोल रहे हैं पोटेशियम टेट्रा साइनो निकल। पोटेशियम टेट्रा साइनाइट सारे बच्चे जो है ना वो मोस्टली क्या गलती कर रहे हैं ओ का सुर निकालना भूल रहे हैं नेगेटिव लिगेंड में जो ना जो सॉल्व करेगा उसी का तो नाम लूंगी सबका नाम थोड़ी लूंगी पोटेशियम टेट्रा चलो साइनो निकलेट वेरी गुड संध्या केशरी तो बेटा देखो तुम्हें मैंने क्या रूल बताया था रूल नंबर वन केटायन को पहले नाम देना है फिर एनायन को नाम देना है तो ये पोटेशियम केटाइन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है अगर तुम ध्यान दो तो पोटेशियम जो है वो कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन है देखो पोटेशियम ये है और कॉम्प्लेक्स कैसा एनायन है, है तो पहले इस बार तुमको काउंटर आयन को नाम देना पड़ेगा तो नाम होगा पोटेशियम पोटेशियम थोड़ा सा गैप क्योंकि काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में थोड़ा सा गैप आता है ठीक है तो पोटेशियम फिर गैप डाल के जब तुम कॉम्प्लेक्स को नाम देते हो तो लीगेंट को पहले देते हो तो पोटेशियम टेट्रा मतलब गैप थोड़ा सा ही देना भाई इतना गैप मत दे देना कि एक इंडिया में है दूसरा पाकिस्तान में थोड़ा सा ही गैप देना ठीक है ऐसा नहीं कि टीचर ढूंढता ही रह जाए तुम बोलो हमने तो पूरा नाम लिखा था एक इधर लिख दिया था दूसरा कॉपी के दूसरे पेज पर लिख दिया था इतना सा गैप ठीक है तो पोटेशियम टेट्रा साइनो क्योंकि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स और रूल कहता है कि जब कॉम्प्लेक्स एनायोनिक होता है तो मेटल के नाम पे क्या होता है एट लिखा हुआ आता है तो पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट ठीक है और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसकी x माइनस फोर एक्स माइनस फोर प्लस फोर इज इक्व टू तो निकलेट जीरो पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट जीरो क्लियर हो गया पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट जीरो ठीक है तो चलो इसको फटाफट से नाम दो दो फिर सेशन एंड करेंगे ये वाला हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये नाइट्रो है और इसमें माइनस वन का चार्ज होता है तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं X -3 0, तो ठीक है तो नाम क्या हो जाएगा क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सा सीधा सीधा नाम कर दो नाइट्रो रमीन में, ट्राय अमीन ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लियर बच्चों आया कुछ नोम समझ में थम्सअप करो फटाफट फड़ से सेकेंड क्यों आएगा थ्री आएगा ना ये भी तीन ये तीन है ना बेटा टू नहीं है थ्री है ये कोबाल्ट थर्ड आएगा वेरी गुड शुभम ठाकुर वेरी गुड वेरी नाइस सूर्यांश वेरी गुड जय रेनु सुपर तो यार इसके सेशन को एक तो जल्दी से लाइक कर दो सेशन को लाइक किया नहीं लाइक किया अभी तक कैन आई मोर लाइक्स इन द सेशन Can can I have, can I have, have see more likes likes? in this session and have a good good, good, good. smile on my face by looking at the likes? Chalo, good, good, good. Ab ye homework करके लाना क्या हो गया इसको होमवर्क में करके लाना एंड दिस वॉज दैट सेट फॉर टूडेज सेशन ठीक है नोमचर अच्छे से पढ़ लिया रिवाइज करके आना कल कल दबा के नोमलेचर स्टडी करेंगे पूरी क्लास में नोमर ही नोमचर पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा ठीक है चलिए Uh, आगे चलते हैं आज है ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर आज हेलो अल्केलोअर इन्स की क्विज है लाइव क्विज है स्पेशल क्लासेज में जो बच्चे नए आए हैं मैं उन्हें बता दूँ स्पेशल क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और स्पेशल क्लासेस में हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रखी है यानी कि नेक्स्ट सेशन से मैं अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ स्पेशल क्लासेज में कल से मैं नोमन क्लेचर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो कि मॉर्निंग सीरीज है मेरी बेसिक और बेसिक केमिस्ट्री की तो कल इलेवन थर्टी पे हम लोग नोमन क्लेचर की सीरीज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है इलेवन थर्टी पे बिगनिंग करेंगे फ्रेश बिगनिंग करेंगे और गैनिक नोमन क्लेचर पर मास्टरी करेंगे ठीक है तो ऑल ऑफ यू आर वेलकम फ्रॉम माई साइड एंड स्पेशल क्लासेज आर एब्सोल्यूटली फ्री यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप दिन अकेडमी एंड जस्ट फॉलो मी दैट्स इट ठीक है एंड टॉपिक्स uh, जो कि आपको स्पेशल क्लासेस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे वो ये वाले हैं तो इनको आप रेफ़र कर सकते हैं इन टॉपिक्स को आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी न चैप्टर पढ़ना हो तो ये सारे सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको एंड केमिकल कैनेटिक्स का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं वो सैटरडे को ये दो क्लासेस पढ़ के आएंगे दो क्लासेस हमारी हो गई हैं और बच्चे हुई क्लासेस के साथ में आपको ट्यूनिंग बिठाने के लिए ये दो क्लासेस पढ़नी रहेंगी बस ये दो क्लासेस पढ़ के आ जाओ उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं पूरी फिजिकल दोबारा करवा रही हूँ कौन से प्लेटफॉर्म पे प्लस प्लेटफॉर्म पे विच इज अ पेड प्लेटफॉर्म ठीक है उसमें मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद असाइनमेंट्स विद क्विजेस विद डाउट क्लियरिंग सेशंस सब कुछ दोबारा से करवा रही हूं तो अभी सिर्फ हमारा जो फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसमें सिर्फ दो क्लासेस हुई है उसको पढ़ के आइएगा सैटरडे को सुबह नौ बजे अगली क्लास है ठीक है एंड वेरी सुन सर्फेस केमिस्ट्री भी उस पे स्टार्ट होने वाला है पेड प्लेटफॉर्म यानी प्लस पे

अब तो यार बहुत सही चीज है सब कुछ दोबारा से पढ़ा रहे हैं नाइन थाउजेंड पर ऑल सब्जेक्ट्स यानी कि पर सब्जेक्ट तो हमारा डेढ़ हजार रुपये भी नहीं आ रहा है या दो हजार हार्डली आ रहा है अगर मैं सारे सब्जेक्ट इंग्लिश इंग्लिश सबको मिला दू तो यार टू थाउजेंड या वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में हमको एक सब्जेक्ट शुरू से लेके एंड तक पढ़ाएंगे यार दैट्स यू नो वेरी मच सरप्राइजिंग यस इट इज इट्स ट्रू हम लोग करवाने वाले हैं वो चीज रेफरल कोड एम बी लाइव करना मत भूलना और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो क्योंकि मैंने तो दो क्लासेस ले ली है नए बैच की हमारा नया बैच फॉर्म मैंने कर लिया है ठीक है एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आर साइड अगर आप प्लस मतलब नौ हजार रुपये में सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं आपको आपको ये सब चीजें भी मिल रही हैं। इतना सारा हॉबी परस्यू करने का मौका मिल रहा है अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने का हैबिट है आपको तो आप पर्सनल मेंटरशिप पेरेंट कनेक्ट लाइफ डाउट सॉल्विंग स्टडी प्लानर वीकली रिपोर्ट एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस ये सब वेल कर सकते हैं एम बी लाइव रेफर कोड अप्लाई करने के बाद टेन परसेंट डिस्काउंट लेने के बाद सिर्फ फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड में फॉर सिक्स ऑल सब्जेक्ट रेफरल कोड बिल्कुल नहीं भूलना ऑल लेटर्स कैपिटल विद नो गैप एम बी लाइव टेन परसेंट ऑफ होने के बाद के चार्जेस हैं इनमें टेन परसेंट ऑफ नहीं होगा दोन परसेंट ऑफ ठीक है देन दिस इज अर शेड्यूल जो मेरा यूट्यूब का काफी नए बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं आप इस वक्त लाइव होते हो तो मैं डेली दो बजे बेटा लाइव आ जाती हूँ मेरा नाम क्या है मैं हूँ मोनिका माम मैं डेली दो बजे लाइव आ जाती हूँ फिलहाल मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया है फ्यूचर में और भी बहुत सारे चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप इसको ज्वाइन कर लेना लाइव डेली डॉट मी स्लैश चैट तो इसमें क्या होगा कोई भी टीचर लाइव आएगा आप सबके लेक्चर्स अटेंड करके देखो सेशन अटेंड करके देखो जिससे आपको कनेक्ट फील हो जिससे आपको अच्छे से समझ में आए उनके आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अब अटेंड करना है या नहीं करना है वो आपके आपका चॉइस का मैटर है ठीक है सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम पेड प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं अकेडमी के आद्विके? तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे आपकी फेवरेट एडुकेटर्स की सपोज करो जो भी आपका फेवरेट है जो भी कोई भी आपका जो फेवरेट है वो आपके लाइव क्लासेस डेली लेगा लाइव क्लासेस में बहुत बेटर कम्युनिकेशन होता है बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर एडुकेटर के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत जबरदस्त लेवल पे होता है ठीक है यानी कि आप एक स्क्रीन एक भर की एक मॉनिटर भर की दूरी पे कनेक्टेड होते हैं अपने टीचर से इट फील्स एज अ टीचर आपको घर पे पढ़ाने आया है इस लेवल का कम्युनिकेशन होता है लाइव पोल्स एंड लीडरबोट ऑप्शन करके हमारे स्पेशल क्लासेस में एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर जैसे सपोज मैंने तुमको ये कोऑर्डिनेशन पढ़ाया ठीक है सपोज आज ही का एग्जांपल ले लो मैंने तुम्हें नमन थे पढ़ाया अब मैं क्या करने वाली हूँ क्लास के एंड में क्लास को मैं करूंगी फिफ्टी फाइव मिनट का पांच मिनट में क्या करूंगी कि बच्चों तुम्हें आ गया बच्चे कहेंगे थम्सअप मैम आ गया बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया चलो कुछ सवाल करके दिखाओ मैं ए बी सी डी ऑप्शन दूंगी ए बी सी डी में से आप ऑप्शन टिक लगाएंगे और अगर आप सही भी हैं और फास्टेस्ट भी हैं मतलब क्लास में सबसे जल्दी आंसर करते हैं तो आपका नाम आएगा लीडर बोर्ड पर यार लीडर बोर्ड पर आने की शान ही अलग होती है जब वो टीचर नाम बुलाता है ना तो अपन कई बच्चे तो अपने पेरेंट्स को आते हैं आजा आजा मम्मी पापा देख लो मेरा नाम बुलाने वाले मैं आने वाला हूँ लीडर बोर्ड पर या मैं आने वाली हूँ लीडर बोर्ड पर इट फील्स यू नो बहुत प्राउड फीलिंग आती है और इससे आपकी एनर्जीज अच्छी होती हैं पढ़ते पढ़ते आदमी बोर नहीं होता कि यार पढ़े जा रहे पढ़ाए जा रही पढ़े जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं अरे नहीं यार जो वो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते

ठीक है देन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी थ्री क्लासेस जो आपको पढ़ाई जाती है और जो भी आपको होमवर्क दिए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पे, और असाइनमेंट्स ऐसे नहीं होते उठा के कुछ भी आ गया सारे के सारे एक्सपीरियंस एडुकेटर्स हैं असाइनमेंट्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस इसे मैं अगर असाइनमेंट बना रही हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी कि यार जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं उन्हीं के रेप्लिकास दूंगी आपको अगर मुझे पता है बोर्ड में ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल बार 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 पूछते हैं या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं मैं वैसे दस सवाल चाहूंगी कि मेरे बच्चे प्रैक्टिस करें क्योंकि यार आफ्टर ऑल अगर मेरे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में सौ में से सौ या नाइन्टी फाइव सुपर स्कोर करेंगे तो मेरा भी तो नाम होगा ना उसमें तो मैं वही चीज करवाऊंगी मेरे बच्चों से जिससे मेरे बच्चे जो है वो एक राइट right डायरेक्शन में राइट right ट्रैक पर चलते रहे तो इसके लिए मैं बच्चों को होमवर्क दूंगी नोट्स दूंगी असाइनमेंट्स दूंगी और उन असाइनमेंट्स में से बच्चों को जो जो डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है हर तीन क्लासेस के बाद एक क्लास में बच्चे जो है टीचर से डाउट पूछते हैं

फिर ये कुछ आपके गोल्स आएंगे मैनेज गोल्स का ऑप्शन आएगा जिसमें आई आई टी जी नीट यू जी क्लास नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ ऐसा करके गोल्स आएंगे तो अगर आप मुझे ढूंढने आ रहे हैं तो मैं यहां मिलूंगी आपको है ना यहां मिलूंगी और अगर इसके अलावा भी कोई गोल पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे एडुकेटर्स सारे गोल्स में अवेलेबल हैं ठीक है थीके? फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाना गेट सब्सक्रिप्शन में जाके आपको चार्जेस दिख जाएंगे जो कि मैं रेकमेंड करूंगी या तो आप टेन थाउजेंड वाला जो कि एम uh, बी लाइव रेफरल कोड लगाने के बाद नाइन थाउजेंड का पड़ता है तो ये क्वाइट सस्ता सब्सक्रिप्शन है जिसमें नौ हजार रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश एंड एवरीथिंग एल्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी है ना आपके हिंदी इंग्लिश जो भी है तो टोटल आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं टोटल पांच सब्जेक्ट्स हैं पांचों सब्जेक्ट की कोचिंग आपको नौ हजार में मिल जाती है विच मीनस की आपको टू थाउजेंड रुपीज से कम में सब्जेक्ट पढ़ रहा है और अभी अभी हमने फ्रेश बैचेस स्टार्ट किए हैं जिसमें हमने बिगिनिंग से शुरू किया है मैंने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट है फिर मैं वहां ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी फिर मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी ठीक है तो फोर मंथ्स का टारगेट हम लोग लेके चल, ले चल रहे हैं कोर्स खत्म कराने का दो महीने का टारगेट एक महीने का टारगेट हम लेके चल रहे हैं रिविजन्स का तो ये आपका हो जाएगा एंड इसमें आप द, दस का नौ कैसे होगा एम बी लाइव एम बी लाइव इसको याद रखना बेटा एम बी लाइव रेफरल कोड लगाओगे तो आपको छह महीने का कोर्स नौ हजार में पड़ेगा और अगर आप लेते हो कौन सा वाला एक साल वाला जो कि पंद्रह हज़ार का है तो ये आपको पड़ेगा कितने का तेरह हज़ार पाँच सौ का लेकिन ये भी कब पड़ेगा तेरह हज़ार पाँच सौ का अगर आप एम बी लाइव लगाते हो ठीक है तो मेरे ख्याल से महंगा नहीं है बहुत ही सस्ता है बहुत ही सस्ता है ठीक है कुछ भी नहीं है और जल्दी से आ जाओ प्लस पे है ना सैटरडे से पहले पहले आ जाना क्योंकि सैटरडे को हमारा केमिकल कैनेटिक्स आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट वीक मेरा सरफेस केमिस्ट्री का कोर्स आ रहा है प्लस के बच्चों के लिए जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है जहां पे बोर्ड्स में पूछे जाए गए क्वेश्चन के रेप्लिकास बना बना के प्रैक्टिस कराई जाती है डाउट्स बच्चों के देखे जाते हैं क्विजन बार बार ली जाती है वट एल्स आई थिंक नथिंग सो में सौ नंबर लाने तो प्लस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट मैं तो यही कहूंगी और सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एम बी लाइव रेफर कोड लगा के फटाफट जाओ प्लस के प्लेटफॉर्म पर जल्दी से बच्चों ठीक है बाय बाय लाइक्स कर लाइक दे दिया कि नहीं दे दिया लाइक हिट कर दो फटाफट से जल्दी से चलो बाय बच्चों मिलते हैं कब अभी पौने पाँच बजे फोर फोर्टी फाइव स्पेशल क्लास अन अकेडमी लर्निंग ऐप की क्विज जो बच्चे नए हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या है अन अकेडमी की लर्निंग ऐप और कैसे होती हैं ये क्लासेस तो वो आज सिर्फ इतना करें अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और फोर फोर्टी फाइव पर मोनिका बेदी की जो क्लास चल रही है उसमें एंट्री मार लो ठीक है वहां मैं आपको समझाऊंगी कैसे चीज होती है वहाँ क्विज चल रही होगी तो पता लगेगा क्विजिंग फीचर क्या है लीडरबोर्ड क्या चीज है ठीक है बच्चों तो चलो बाय बाय फॉर नाउ टेक केयर गॉड ब्लेस यू माई बच्चों कल मिलते हैं